हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 के 10वें मुकाबले के बारे में। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से था। इस मुकाबले के लिए पहले से ही रोमांच बना हुआ था क्योंकि एक तरफ विराट कोहली थे, वहीं दूसरी तरफ गौतम गंभीर। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बेंगलुरु की शुरुआत अच्छी नहीं रही, उन्होंने 17 रन पर ही अपना पहला विकेट खो दिया। डुप्लेसी 6 गेंदों में 8 रन बनाकर हर्षिताना का शिकार बने। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कैमरन गेल ने विराट कोहली का साथ दिया। दोनों ने 50 रनों से ज्यादा की आपस में साझेदारी की। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल को कई बार जीवनदान मिला, लेकिन वो इसका कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए। वहीं दूसरे छोर पर कोहली जमे रहे, उन्होंने इस मुकाबले में भी अर्धशतक लगाया। उन्होंने 59 गेंदों में 83 रनों की शानदार पारी खेली। इसके अलावा दिनेश कार्तिक ने भी आखिरी में कुछ अच्छे शॉट लगाए। रजत पाटीदार और अनुज रावत इस मुकाबले में कुछ खास ना कर सके, दोनों 3-3 रन बनाकर आउट हुए। इस मुकाबले में कोलकाता की तरफ से हर्षित राणा और रसल को 2-2 विकेट मिले, वहीं सुनील नैने ने 1 विकेट हासिल किया। इसके जवाब में कोलकाता की शुरुआत शानदार रही। पहले विकेट के लिए नरेन और फिल सॉल्ट ने शानदार शुरुआत दी। नरेन 22 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए। जब आउट हुए तो टीम का स्कोर 86 रन था। इसके बाद फिल सॉल्ट भी आउट हो गए, उन्होंने 20 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली। इसके बाद वेंकटेश अय्यर ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और टीम को जीत तक ले गए। वेंकटेश अय्यर ने 30 गेंदों में 50 रन बनाए, वहीं श्रेयस अय्यर 24 गेंदों में 39 रन बनाकर नाबाद रहे। इस मुकाबले को कोलकाता ने बेहद ही आसानी से जीत लिया है। इस मुकाबले में नरेन की शानदार गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी के कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला है। कोहली और गंभीर के मुकाबले में इस बार बाजी गंभीर को मिली है। देखते हैं इसका अगला मुकाबला जब होता है तब कौन बाजी मारता है, गंभीर या कोहली।